गंगा के पानी में लगातार इजाफा होने के चलते अब गंगा भावरकोट ब्लॉक के कई गांव को निशाना बनाने पर तुली हुई है, जिसके चलते कई गांव में गंगा कभी भी घुसकर कोहराम मचा सकती है। तो वहीं सियाड़ी गांव की कई बस्तियों में पानी घुस भी चुका है और कई लोगों के मकान तक पानी पहुंच गया है और आने जाने वाले रास्तों को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके चलते अब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों को किसी भी तरह का राहत नहीं दी गई है। गंगा नदी के लगातार बढ़ने के कारण विकासखंड भावरकोल के सियाड़ी गांव तबाह हो रहा है, जहां धान की फसलें डूब रही हैं। वहीं अब गांव के दक्षिणी पश्चिमी और मौजूद घरों और बस्ती की तरफ पानी ने अपना रुख करते हुए घरों में घुसने को बेताब है। दलित बस्ती के दर्जनों घरों में पानी घुसने की कोशिश कर रहा है, साथ ही गाँव के कई घरों के आगे तक पानी आ गया है, जिससे इन सभी ग्रामीणों के आवागमन अब पानी में जाकर करना पड़ रहा है। जबकि अभी तक किसी भी तरह का शासन और तहसील या विकास खंड या फिर ग्राम प्रधान की तरफ से लोगों को कोई सरकारी राहत सामग्री मुहैया नहीं कराया गया है और ना ही इसकी कोई सुध लेने तक अभी तक आया। पहले से खराब पड़े सियाड़ी संपर्क मार्ग पर भी पानी चढ़ जाने के वजह से आवागमन बहुत हद तक प्रभावित हुआ है। हालात यह है कि गांव के किसान, नौजवान, मजदूर, बुजुर्ग और महिलाएं सभी लोग प्रशासन के राहत कार्य की बात जो रहे हैं। वहीं समाज सेवी धनंजय राय और विपिन राय सहित तमाम लोगों ने ग्रामीण प्रशासन से सहायता यदि नहीं मिलता है तो स्वयं चंदा लगाकर बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता करने की बात कह रहे हैं। हमारा नाम धनंजय राय, मैं सियाड़ी का निवासी हूँ, जो भावरकोल विकासखंड के जनपद गाजीपुर में पड़ता है। जो गंगा की जो उफान है, जो बाढ़ का पानी है, पूरे तरीके से हमारे गांव को घेर चुका है। पूरब की तरफ से सुहाव की तरफ से पानी आकर घेर चुका है, इधर उत्तर की तरफ से महेंद की तरफ से और चौरा कथरिया की तरफ से आकर पानी घेर चुका है। दक्षिण और पश्चिम की तरफ से भी पानी पूरी तरीके से घेर चुका है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। और अब आलम यह है कि गांव के दक्षिण और पश्चिम के तरफ बस्ती के घरों में और गांव के आसपास जो भी घरें हैं वहां पानी घुसने की कोशिश कर रहा है और शासन और प्रशासन या तहसील का कोई भी अधिकारी कर्मचारी अब तक सुध लेने तक नहीं आया है। और स्थिति यह हो गई है कि अब रोड पर पानी चढ़ ही गया है गाँव के आसपास, और लिंक रोड पहले से ही बर्बाद है और पानी चढ़कर बर्बाद कर रहा है और आवागमन अब धीरे धीरे कट रहा है। अगर प्रशासन और शासन से हमारी मांग है तत्काल आए और संबंधित घरों में जिनका पानी गया है, जिनका आवागमन बंद हो रहा है हम लोगों का, उसका सुचारू रूप से सहायता प्रदान किया जाए। मैं विपिन राय, ग्राम पोस्ट सियाड़ी, जिला गाजीपुर निवासी, हमारे क्षेत्र और गाँव में आए बाढ़ के पानी से परेशानियों से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। हमारे गाँव में बाढ़ का पानी दिन प्रतिदिन और घंटे दर घंटे बढ़ता जा रहा है। गंगा नदी हर जगह पर, हर शहर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के पानी बढ़ जाने के कारण हमारे गांव में आने जाने का आवागमन भी ठप हो गया है। लोगों के घरों तक, दलित बस्ती तक पानी पहुंच गया है। बहुत सारे लोग जिनका घर गांव के बाहर छोर पे है, उनके दरवाजे तक पानी पहुंच गया है। गांव के लोगों ने सैकड़ों बीघे धान की खेती की है, जो डूबकर नष्ट होने के कगार पर है। अतः मैं जनप्रतिनिधियों से, उत्तर प्रदेश शासन से, जिलाधिकारी गाजीपुर से ये अनुरोध करता हूँ, जल्द से जल्द समुचित कदम उठा करके लोगों को कष्ट कम करें और लोगों को बाढ़ राहत से अवगत कराएं।